प्रचोदयात् प्रचोदयात् मेक श्योर कि ये लोग जाए नहीं बिना मुबारक हो आपको नए घर और गणपति बापा मौर्य नए घर में लेकर आए हैं गणपति बापा मौर्य। क्या कहना चाहेंगे आज, कितना खुशी का दिन है आपके? सर इससे बड़ी बात हमारी जिंदगी में हो नहीं सकती कि गणपति जी आए हैं और गणपति जी के साथ और हमारे पेरेंट्स यहाँ पे हैं आज, जिनके आशीर्वाद से हम लोग बॉम्बे पहुँच सके, उनके सपोर्ट और आशीर्वाद से। और आज हमारा अपना यहाँ पे घर है, नई बिल्डिंग है और एक नई फीलिंग है, और हमारा आज ही गृह प्रवेश भी हुआ है साथ में ही। तो जो गणपति जी के साथ जब गृह प्रवेश हो तो इससे बड़ा ओकेजन हो नहीं सकता हमारे लिए। तो ये हमारे लिए जिंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा होगा। आने और जाने के बीच में ही जो फेस्टिविटी होती है और जो रौनक होती है वो बस बीच में ही होती है। आने के बाद भी सुनापन है और जाने के बाद भी सुनापन है। हाँ, लेकिन वो एक वाइब छोड़ जाते हैं, एक अच्छी सी एनर्जी छोड़ जाते हैं घर पे आके, जिसके सहारे हम लोग पूरा साल निकालते हैं। अमूमन तौर पर जैसे अभी तो नाम भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, नया घर भी है, तो अब जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो मांगने के लायक क्या रहता है? तो मांगने के लायक नहीं रह जाता कुछ, लेकिन ये जरूर रहता है कि हम लोगों ने अभी अपने मोबाइल में रिंगटोन लगा दी है, शुक्र शुक्र की हमने खुद, क्योंकि हम गाने कंपोज करते हैं और लिखते भी हैं, तो हमने एक गाना बनाया खुद के लिए, शुक्र शुक्र तेरा शुक्र शुक्र, और वही मोबाइल पे। तो जब लगता है कि फैमिली में प्यार है सबसे पहली चीज़, और बप्पा का आशीर्वाद है और भगवान ने सब दिया है, तो सिर्फ शुक्राना ही यहाँ से हो सकता है। बाकी तो अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अपने आप चल रही है और अपने आप काम हो रहा है, अपने आप गाने बन रहे हैं, अपने आप ऑटोमेशन में चला गया है। और मांगा तो पहले भी नहीं था, तो अब क्या मांगा, जो बिना मांगे मिला। बात करें, आप दिल्ली से हैं, ठीक है, तो ये कब से मुंबई में गणपति रख रहे हैं, क्या इसके बारे में? हम एक्चुअली ग्वालियर के हैं, वहाँ सिंधिया स्कूल जो हमारा जहाँ से हम पढ़े हैं वहाँ पे हर साल गणपति जी की 3 दिन की छुट्टी होती थी गणेश चतुर्थी की, और वहाँ पे एक ताल है फोर्ट के ऊपर किले पे, और वहीं पे हम लोग विसर्जन करते थे। तो हमको फोर्थ क्लास से बचपन से हम लोग, आज तक ऐसा कभी कोई साल आया नहीं जहाँ पे हमने गणपति जी का विसर्जन में हम भागीदार ना हुए हों, क्योंकि स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद बॉम्बे आ गए, बॉम्बे में तो एक अलग ही जलवा है गणपति जी का। और इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो हम दोनों की वाइफ्स को जाता है, बिकॉज वो लोग, हम लोग काम में बिजी भी रहते हैं तो भी वो पहले 1 महीना पहले से सोच के रखते हैं कि भाई इस बार गणपति जी क्या तैयारी करनी है और हमें लेके आना है और सबको इनवाइट करना है, लड्डू बनने हैं, बहुत कुछ होना है। तो वो क्रेडिट इसमें हमारा ज़्यादा श्रेय नहीं है, हमारी सिर्फ इंटेंशन और हमारी सपोर्ट है उनको। सर, जब आपने वाइफ्स का फैसिक कर दिया तो उनको बिल्कुल, उनके बिना तो मधुर है। आपके पीछे भी ये आपकी तारीफ ही करते हैं, और क्या वो चीजें हैं जो हम नहीं जानते? मेरा वाला तो बहुत रोमांटिक है।
साढ़े पाँच सौ ले गए। और ये एज माई ब्रदर बहुत नॉटी है, ये जो अगर मुझे इनके बारे में कुछ कहना हो तो मैं कहूँगी ही इज वेरी नॉटी, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी 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 हार्ड वर्किंग बोलना पड़ता है कि बस भाई ये अच्छी बात नहीं है बीवियों के लिए। हाँ हाँ, उनकी भी एक बीवी है, मैं तो इसलिए बता रही हूँ। और अबाउट मेरा वाला लाइक आई सेड सुपर डुपर रोमांटिक है और बस वो रोमांस से ही ख्याल रखते थे मेरा। कौन ज्यादा झगड़ता है और कौन ज्यादा हमेशा 24 घंटे रोमांटिक मूड में? कौन है हम दोनों में से? आप दोनों से? और आप मेरे में से? तो मैं रोमांटिक मूड में रहती हूं। नहीं नहीं, झगड़ने का मैं रोमांस में भी झगड़ा ढूंढ लेती हूँ क्योंकि फिर और रोमांस मिलता है। और मैम ये ज्यादा रोमांटिक है हैंड्स डाउन, मैं रोमांस से दूर भागती हूँ बट ही इज माय बैलेंसिंग फैक्टर। गणपति की तैयारियों की बात करें, हाँ कितनी तैयारियां हैं, हर अलग अलग रूप होते हैं क्या, इसमें क्या अलग से आपने ये देख रहे हैं आप, इनको ढूंढने के लिए हम लोग पूरे अंधेरी लोखंडवाला की गली गली में हम घूमे और हम लोग बहुत ज्यादा वाइब्रेशन में बिलीव करते हैं और इनकी मूर्ति देखते ही हमें एक वाइब्रेशन आई कि ये हमारे गणपति जी हैं। तो हम लोग अपना गेम खेलते रहते हैं तो इन्होंने देखा और उन्होंने इस बार हमने सोचा भी था कि हम सबने इनफैक्ट कि हम व्हाइट गणेश जी को इस बार घर लेकर आएंगे। इतने सालों से हम लोग इतना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो दिस ईयर वी वांटेड इट टू बी वेरी प्योर, यू नो वेरी पायस एंड या वी जस्ट वांटेड टू वर्शिप हिम, पूरा टाइम ध्यान इन पे लगाएं। सो दैट वाज मेरे लिए तो थीम है क्योंकि हमने कहा भाई मुझे कृष्ण जी से बहुत प्यार है और ये मैंने कहा ये गणेश जी कृष्ण जी को कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और म्यूजिक से तो हमारा रिलेशन है ही और हमारे घर के इंटीरियर्स भी व्हाइट हैं तो देखते ही लगा कि हाँ इन्होंने बोला कि यही, मैंने भी बोला एक सेकंड में जबकि हम लोग 10-15 पंडाल गए होंगे। जितनी स्क्रिप्ट याद है जितनी स्क्रिप्ट याद थी उतनी नहीं, गणपति की पूरी तैयारी इन दोनों का शेयर था इस साल क्योंकि हम लोग ऐसे बांट लेते हैं कि इस बार तुम लोग मेहनत करो हम थोड़ी ऐश करेंगे, इस बार तुम लोग मेहनत करो हम ऐश करेंगे। यही एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है जब बड़ी फैमिली हो तो सबको एक साथ घुस के करने की जरूरत नहीं है। सो ये इस बार पूरा इन लोगों का है राइट फ्रॉम गणपति सिलेक्शन टू द थीम एंड आप देख सकते हो फैंटास्टिक है और एक नए घर के लिए एक वाइट और एक पॉजिटिव, उससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ हो भी नहीं सकती। एक जाते हैं तो हम लोग अपने पापा के साथ गाएंगे, वो बहुत अच्छा गाते हैं। एक्चुअली अभी जाने से पहले क्योंकि जाने की बात हो रही है, जाने से पहले एक जो सवाल मेरे मन में उभर रहा था, ऑफवर्ड के हम जिनसे कुछ मांगते हैं जो हमारी जिंदगी में पीस लेके आते हैं, शांति प्यार लेके आते हैं, उनको हम जब प्रथा पूरी हो जाती है तो उनको हम बहा देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब लाइक पेरेंट्स जो हमें पालते पोसते हैं जब बुरे हो गए अनाथाश्रम में तो ये एक इतना डीप सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है कि ये एक प्रथा बनी आ रही है, इसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, पंडित हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों जो उन्होंने सिखाया, हमें संस्कार दिए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो उन्होंने सिखाया है कि गणपति जी आते हैं और आके जैसे आपको आगे ब्लेसिंग देके जाते हैं और उनको जाना ही है, तो ये हमें सिखाया गया और उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुदरत का नियम, क्योंकि हमसे बड़े बड़े इंटेलिजेंट पंडित और स्पिरिचुअल लोग और हमारे पेरेंट्स बैठे हैं तो उनको हम सवाल नहीं कर सकते इस बारे में। कुदरत का नियम है, जो चीज़ आती है वो जाती है। अब बुजुर्गों की जैसे आपने बात करी कि वो भी किसी दिन जाते हैं तो उनको भी अच्छे से भेजना पड़ता है, तो बस ये वही प्रथा। हम सब भी मरने के बाद सब मिट्टी हो जाते हैं तो वो दोनों थ्योरीज भी मैच होती हैं तो जाएंगे। यस, लाइफ में चाहे वो भगवान हो, इंसान हो या कोई पेट हो, वो किसी रीज़न से आते हैं। तो मेरा ये मानना है गणपति जी एक रीज़न से आते हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ है चाहे हम उनको पूजें या ना पूजें, लेकिन ये जो दो दिन हम उनको देते हैं ये वो दो हमारे स्पेशल दिन होते हैं जब हम सब कुछ भूल के उनके साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी पूरा साल उनको याद नहीं करते, उसी तरह से वो हमारे पास दो दिन आते हैं क्योंकि वो भी एक लिमिटेड टाइम लेके आते हैं, कहते अभी मैं एक्सक्लूसिव में आऊंगा, तो ये वो वाली बात है, वो एक्सक्लूसिवली हमारे लिए आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और उनका जाना जरूरी है क्योंकि वो जितनी भी हमारी मिजरीज, हमारी नेगेटिविटी है वो लेके अपने आप को बहा देते हैं ताकि वो रिजुविनेट होके वापस नेक्स्ट ईयर आए। और मेरी वाइफ का कहना है कि वो उनके लिए वो कहते जाते नहीं है, वो कहते जाते नहीं है वो इनकी तरफ। सो पहले तो ये कि हम इसके पहले डेढ़ दिन का रखते आए हैं, ये आई थिंक पहला टाइम है जो हम लोग तीन दिन का रख रहे हैं। सिंपल रीजन कि ये लोग तो ऑब्वियसली दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड भगवान में बहुत मानते हैं, बट एज वुमेन बिकॉज हम लोग पूरा टाइम घर पे होते हैं वी गेट वेरी अटैच टू देम, सो दिस ईयर वी थॉट दैट नहीं हम उनको ज्यादा दिन के लिए यू नो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप देम मोर, ज्यादा मानेंगे, ज्यादा प्यार करेंगे।
हैविंग सेड दैट, जैसे इन लोगों ने बोला, और आप कभी मीडब्लोज की वेबसाइट पे जाएंगे तो इट सेज द ओनली थिंग परमानेंट इज चेंज. सो जाते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, वी वेट फॉर देम टू कम बैक नेक्स्ट ईयर. सो वो एक्साइटमेंट रहती है, सैडनेस ऑफ कोर्स, यू नो, बिकॉज इतना अटैच हो जाते हैं हम लोग, बट उससे ज्यादा वो वेट रहता है कि बस अब जा रहे हैं, अगला साल कब आएगा, अगला साल कब आएगा, बस वो वेट करने में निकल जाता है. और ऑनेस्टली हमें लगता है कि उनकी प्रेजेंस में भले मूर्ति चली जाती है, लेकिन वो अपना अंश यहाँ छोड़ के जाते हैं हमारे साथ, वो सबसे बड़ी बात है. एक्चुअली जा नहीं रहे एक तरीके से देखा जाए. और हमारे घर में दो दो चूहा जी हैं तो आसपास घूमने के लिए. सो सर, इसके लिए हमें अपने फादर का सपोर्ट चाहिए, उनकी वजह से हम गाते हैं, वो सिंगर है, तो वहाँ गणपति बाप्पा एक नए घर की शुरुआत है. दोनों बड़े शरारती थे, पढ़ाई में बिल्कुल उनका मन नहीं लगता था, सिंधिया स्कूल में, तो उनकी मम्मी ने और इन्होंने बोला कि हमको बॉम्बे जाना पढ़ने के लिए. मैंने नई दिल्ली जाओ, बोले नहीं नहीं हम तो मैंने फर्स्ट डिविजन ले गया, तब मैं तुमको बॉम्बे भेजूँगा. तो फिर इनके अंदर ये आता था अगर ये मेहनत भी लग जाए तो इनका कोई मुकाबला नहीं है. तो इन्होंने खूब रात दिन एक करके 10th में भी फर्स्ट डिविजन ली और 12th में भी. फिर मैंने कहा इनको बॉम्बे भेजना पड़ा, यहाँ पे आके बॉम्बे में सेटना कॉलेज में एडमिशन ली इन्होंने, 3 साल यहाँ पढ़े और बड़ी ईमानदारी से, कभी कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, बहुत मेहनत करके अच्छे नंबर लेके फर्स्ट डिविजन में पास हुए. फिर ये फिल्म लाइन के अंदर आए और फिल्म लाइन में इन्होंने जो मेहनत की है आज 20 साल में मैं देख रहा हूँ. हर आदमी कहता है रात दिन उन्होंने एक कर दिए, 2-3 बजे तक स्टूडियो में अपना प्रैक्टिस करते हैं, गाने अच्छे बना रहे हैं और बॉम्बे में माँ बाप का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है. तो उनके आप मानते हैं कि मुंबई आने के लिए इन्होंने दुनिया का सबसे खतरनाक काम किया, वो हुआ पढ़ाई. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल करके दिखाया 2 साल में कि जहाँ कहाँ थर्ड क्लास आते थे हमेशा, तो फर्स्ट डिविजन में आए वहाँ पे. तो फिर जो मेरे को प्रॉब्लम निभाना पड़ा, मेरा लिखन का बिजनेस था तो वो पूरे मध्य प्रदेश में था, तो मैं इनको दोनों को उसी में लाना चाहता था. पर इनकी मम्मी का हुआ था, मम्मी वही बैठी है, इन्होंने हमें भेजा यहाँ पे बॉम्बे की मीडियम लाइन में. फिल्म इंडस्ट्री में इनके गाने वाने गाए और म्यूजिक में बड़े, ये यहाँ पे आगे इन्होंने कई किस्म के काम किए, छोटे मोटा कोई ये वो. फिर मैंने एक दिन को बोला, मैंने तुमको भगवान ने म्यूजिक के लिए बनाया, अब पूरा ध्यान म्यूजिक में लगाओ, फालतू फालतू जो ये काम भी कर लो वो काम भी कर लो. मैंने एक काम पकड़े करो जिसमें पूरा, तो इन्होंने भाई मेरी बात मानी. और हम तो इतने किस्मत वाले हैं कि हमारे बच्चे हमको भगवान की तरह पूजा करते हैं, मतलब हमको नीच भी आ जाए तो इन लोगों तक तो मालूम पड़ जाता कहाँ भी हो. तो अभी मैं काफ़ी दिन से बीमार हूँ, 6 महीने से इतनी सेवा कर रहे हैं काम धाम सब छोड़ के. दोनों में जैसे दोनों, मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ, साथ में पढ़े, साथ में बड़े हुए, साथ में कॉलेज आए, साथ में फिल्म लाइन में आए. तो मैंने इनको एक ही बोला, बेटा मैं जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगता, मुझे बस उम्मीद जो है ना, ये दो भाई ये कभी अलग नहीं होने चाहिए, तो मिलके काम करो. और मीत ब्रदर, आज मैंने ही नाम इनका दिया था, मीत ब्रदर, तो खूब नाम रोशन कर रहे हैं हमारा. अंकल यू तो आपने पर्सनली मीत ब्रदर्स को, आपके दोनों भाई को बहुत सारी राय दी हुई, एक कोई राय जो ये जिंदगी भर याद रखे वो क्या रहे? कोई भी एक एडवाइस जो जिंदगी भर इनके साथ रहे, या आपको रिपीट करना पड़े शायद हम लोगों को पहुँचाने के लिए? लेकिन वही मैंने इनको बोला कि इनका बेटा याद रखना, म्यूजिक में पूरा ध्यान दो. अहंकार होता है हाँ, वो क्यों हमारे फादर ने जो हमको दिया था, क्योंकि हमारे पास कई ग्वालियर में फिल्म एक्टर वगैरह आते थे और आगे यहाँ पे खाना पीना अच्छा रहना, हमारे यहाँ यहाँ आओ तो पहचानते भी नहीं थे, तो जो मेरे को बहुत पीड़ा होती थी. तो मैंने इनको ये दो बात बोली कि जिंदगी में डाउन टू अर्थ रहना, जब कितना भी ऊँचा चले जाओ जमीन से पाँव अलग नहीं होने चाहिए. और मैंने भी वही चीज़ दिया, वही संस्कार इनके अंदर आ जाए कि बुजुर्गों में पाँव छुएंगे, सबकी ब्लेसिंग लेंगे और घमंड कभी नहीं करना किसी चीज़ का. जानना ये भी चाहेंगे कि मीत ब्रदर्स के जितने भी गाने हैं
उनमें सबसे ज्यादा आपका प्रिय कौन सा गाना जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ये जो भी गाना बोलेंगे वो हम आपके लिए गाएंगे। बेबी डॉल। बेबी डॉल। सर आपने रात को दोनों बेटे को हीरो बना दिया मुंबई ने, जब मैं एक बार ग्वालियर से आया था उन्होंने मेरे को उसमें गाड़ी में चल के सुनाया तो मैंने क्या गाना बनाया बेबी डॉल में सोने दी उसमें भगवान को कुछ और ही मंजूर था तो गाने के अंदर अच्छी फिनिशिंग कनिका कपूर सब लोगों ने मेहनत बहुत मेहनत की और ईश्वर की कृपा जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है गाने सब अच्छे बनाते हैं पर किस ईश्वर किसके ऊपर मेहरबान हो जाए वो ईश्वर को ही मालूम है इनके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है। एक तो जिंदगी में बॉम्बे में आके कोई ड्रिंक नहीं करते कोई गलत सोसाइटी नहीं है पूरा ध्यान अपना म्यूजिक में लगाते हैं रात को दो दो तीन बजे तक म्यूजिक में अपना पूरा दिमाग लगाते हैं और बस ये देख के हमको खुशी होती है।